देवाई मेडिकल टेक्नोलॉजी, सिरिंज पंप इनफ्यू प्लस मॉडल। ये मॉडल में यहाँ पर पीछे के साइड ऑन ऑफ की ये स्विच है, और यहाँ पर आईवी स्टैंड पे आप ये हैंग कर सकते हो, यहाँ पर आईवी स्टैंड लगा के। यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर एसी सप्लाई का आपको लाइट दिखाई देगा, यहाँ पर यहाँ से ऑन ऑफ की स्विच है। अभी जो है अभी इसको यहाँ पर लिखा है 10 ml सीरिंज इंसर्टेड, तो ऑलरेडी 10 ml सीरिंज यहाँ पर इंसर्ट करके रखी है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आ गया है। अभी आप एंटर करके इसको स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम डाल सकते हो, यानी सीरिंज में जो वॉल्यूम अभी इंसर्ट है वो, अभी इसमें सीरिंज में 5 ml वॉल्यूम अभी है, तो 5 ml आप डाल सकते हो। एंटर करके अभी आप रेट डाल सकते हो, ml पर हवर कितना रेट आपको देना है वो, तो अगर आपको 2 ml पर हवर आपको देना है सिरिंज, तो यहाँ से आप वॉल्यूम 2 ml पर आवर दे सकते हो। यहाँ पर सिलेक्ट ड्रग डिलीवरी भी है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में जो जो ड्रग है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, जो भी आपको ड्रग डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको ड्रग लाइब्रेरी भी दी गई हुई है। यहाँ से एंटर करने के बाद रेडी टू रन आ जाएगा ये, और यहाँ से रन, अभी जो सीरिंज है वो स्टार्ट हो गई है, जो इन्फ्यूज़न है वो स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10 ml सीरिंज आपने डाली है, रेट 2 ml पर आवर है, वॉल्यूम आपका 10 ml है, और टाइम जो रिमेनिंग टाइम है वो आपका 2 hours लेगा 29 minutes। और अगर रेट चेंज करना है तो यहाँ से आप रेट भी चेंज कर सकते हो, एंटर का बटन दबा के। रेट जो अभी आपने दिया है वो 2 ml का दिया है। अभी बोलस देने के लिए यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो बोलस कितने वॉल्यूम देना है वो भी यहाँ पर लिख के, अगर 5 ml, 5 ml तो ठीक है, 2 ml वॉल्यूम देना है अभी, तो एंटर करके यहाँ पर बोलस बोलस का बटन दबाओगे तो यहाँ 2 ml चला जाएगा। बाद में नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। यहाँ पर ये हैंडल भी दिया गया है, इजी टू